देखो भाई दोस्तों, आज मैं आया हूँ सैनी प्लांट होम नर्सरी। तो ये सबसे पहले बात करते हैं कहाँ पड़ती है। ये पड़ती है आपकी शिवाजी स्टेडियम के बगल में, आपको मिलेगा जैन मंदिर। तो जैन मंदिर के बगल में ही, जैन मंदिर के गेट में घुस जाना, उसी के बगल में मिल जाएगी। तो ये तो हुआ नर्सरी का एड्रेस। तो आज हम बात करने हैं विशेष रूप से ये इंसुलिन के पौधे के बारे में। तो ये जो देख रहे हो आप, ये इंसुलिन का पौधा है। यहाँ इन्होंने रेट लगा रखा है इसका 350 रुपये, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक रेट है, क्योंकि ये इतना ही महंगा मिलता है। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है कि ये कितना महंगा मिलता है, क्या मिलता है, हम बात करेंगे इसके गुणों के बारे में। तो ये जो है, इसका जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, इंसुलिन। तो इसका काम है हमारे डायबिटीज़ को बिल्कुल ठीक कर देना। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो उसको अगर वो इसका रोज़ पत्ता खाए, यानी कि किसी की अगर सेकेंड स्टेज में है तो वो इसके 4 से 5 पत्ते खा सकता है डेली, और फर्स्ट स्टेज में 3 पत्ते भी अगर रोज़ खाएगा तो उसकी 15 दिन के अंदर अंदर क्योर हो जाएगी। तो इस वजह से ये पौधा आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रखा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप भी इसको लें और अपने गमले में जगह दें। अगर आप ज़मीन में जगह दे सकते हैं तो ये उससे बेटर कुछ ऑप्शन नहीं है। अभी दूसरी बात आती है कि इसको लेने के बाद आप इसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा भी सकते हैं। इसके अंदर अदरक की तरह राइजोबियम होता है, तो उसको क्या करना है, अलग करना है, और ये सेपरेट होकर बहुत सारे हो जाएंगे। आप बहुत सारे बना लोगे और जी भर के खा सकते हैं और अपनी डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो इसका नाम इंसुलिन क्यों है, अब इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि डायबिटीज़ में होता क्या है। डायबिटीज़ में पहली बात तो है कि डायबिटीज़ होती है 2 प्रकार की, टाइप ए टाइप बी। तो उसमें होता क्या है, हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा शुगर लेवल जो होता है हाई हो जाता है। उस केस में फिर हमें क्या करना पड़ता है, अपने इंसुलिन को बाहर से लेना पड़ता है, किसी सीरिंज वगैरह के माध्यम से, या फिर हम उसको गोलियों के माध्यम से भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमें कौन से टाइप की हो रही है। तो ये हो गया इसको ऑर्गेनिक माध्यम से क्योर करने का तरीका, ठीक है, इसीलिए इसका नाम इंसुलिन है। तो ये बहुत बढ़िया पौधा है, हमें लेना चाहिए। और इसका आप सूखे पत्तों का पाउडर बना करके भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे से आपकी ये शुगर को कंट्रोल करेगी, पूरा शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है। ये इसका एक रामबाण इलाज है। रामबाण का मतलब आप समझते ही होंगे, एक ऐसा इलाज जो कि बिल्कुल अचूक है, गारंटी के साथ काम करेगा। तो इंसुलिन का पौधा लें अगर आपको डायबिटीज़ है, या आपके घर में किसी का भी है, या फिर आप किसी को जानते हैं, तो उसके साथ इस पौधे को शेयर ज़रूर करें। देखो आप यहां से ले सकते हो, ये बहुत कम जगह पे अवेलेबल होता है, ये सब जगह अवेलेबल भी नहीं होता, बहुत सारे रखे हुए हैं। तो यहां पीछे बड़े पॉट में भी रखे हुए हैं, लेकिन रेट वही है 350 रुपये, कोई ज़्यादा नहीं है। तो आप इसको लेकर के जाओ और अपने गमले में, अपने घर में जगह दो। और इसके अलावा ये तो इसका एक मेन इफ़ेक्ट हुआ कि ये हमारी डायबिटीज़ को ठीक करता है। इसके अलावा ये बहुत सारी बीमारियों को भी कंट्रोल करता है। और इसका जो पत्ता है, ये स्वाद में होता है खट्टा, तो खाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो और जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करता है। और इसके अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करी जाए तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, 0 साइड इफ़ेक्ट के साथ, बिल्कुल सेफ्टी के साथ बढ़िया पौधा, घर में जगह दे सकते हैं। बच्चे भी हों तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता कि इंसुलिन का पौधा एक बड़ा ज़बरदस्त पौधा है, जो कि हमें लगाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके क्षेत्र में आपको नहीं मिलता तो मैं इनसे पता करके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसको घर मंगवाने का प्रोसेस जो भी होगा, और एड्रेस भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना कैसे करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या करना है, किसी भी ज़रूरतमंद के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, जिसको आपको लगता हो कि इसकी हेल्प हो सकती है किसी की भी इंसुलिन के पौधे से, तो उसके साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।